लोग अंदर का सब घूम लिए, अब चलिए मैं आपको बाहर का जो भी हॉस्टल के आसपास की जो भी प्लांटेशंस हैं, स्पोर्ट्स खेलने का है, मैं सब आपको यहाँ से घुमाता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पूरा अंदर का घूम चुके हैं, अब मैं चलिए आपको हॉस्टल का बाहर दिखाता हूँ। ये हमारा हॉस्टल का मेन एंट्रेंस है। चलिए हम लोग राइट साइड से जाएंगे और पीछे से घूमते हुए लेफ्ट साइड से आ जाएंगे। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से एंट्री, राइट साइड से एंट्री लेते हैं। ये देखिए, जो आपको मैं गार्डन बताया था कि यहाँ पे लोग आकर बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। और इधर एक साइकिल का पार्किंग भी है, जो इधर लोग, कुछ तो लोग सामने साइकिल लगाते हैं और कुछ लोग अंदर में साइकिल लगाते हैं। जिनको सेफ्टी चाहिए होता है वो साइकिल अंदर में लगाते हैं। तो ये जाने का रास्ता है। अभी हम हॉस्टल के राइट साइड से जा रहे हैं, राइट साइड से हॉस्टल के राउंड राउंड घूमते हुए लेफ्ट साइड से आ जाएंगे। था ना कि हॉस्टल के पीछे जस्ट पहाड़ है, जो इस हॉस्टल की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। हॉस्टल के ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, इसीलिए लोग ऊपर जाकर अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद रिलैक्स हो रहे हैं। ये इधर कुछ ऐसे ही घूमने फिरने के लिए गार्डन टाइप, पार्क टाइप है। देखिए ये हॉस्टल का सबसे राइट साइड का व्यू है। व्यू कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये राइट साइड का हॉस्टल का व्यू है। चलिए हम लोग चलते हैं साइकिल स्टैंड की तरफ। देखिए साइकिल का बैक साइड का व्यू है। वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके पीछे कैंटीन है जहाँ पे बिरयानी और वेज नॉन वेज सब मिलता है। तो वहाँ का बिरयानी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लोग हॉस्टल के पीछे आ गए हैं, और जैसे ही पीछे आते हैं तो ये पीछे का एंट्रेंस है। यहाँ से साइकिल जिसको पार्क करना होता है वो एक्चुअली यहीं से आता है। यहाँ पे एक गार्ड भैया भी बैठे हुए होंगे जो चेकिंग करते हैं, जो भी एंट्रेंस होता है ये उनको चेकिंग करते हैं। ये हमारा हॉस्टल का पीछे का व्यू है। और इधर एक पॉन्ड भी है, एक क्या दो पॉन्ड है, अच्छा खासा पॉन्ड है। देख लीजिए, अगर बारिश हुआ था तो जो पानी पूरा जमा हो रहा है। और ये पीछे का रोड है। जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो वैसे ही हमें मेज के पीछे का एरिया मिलेगा, जहाँ से सारे मेज के वर्कर्स आते हैं और फिर अपना खाना वगैरह बनाते हैं। और सामान पीछे से ही आता है, जो भी मेज का रॉ मटेरियल का सामान जो होता है वो सब पीछे से ही आता है। ये अपना कुछ पीछे का व्यू है। ये रहा मेज का बैक साइड एरिया। यहाँ से वर्कर्स लोग आते हैं एंड जो भी रॉ मटेरियल लाना होगा मेज का यहीं से आता है। अभी हम लोग थे
बैक साइड के सबसे लेफ्ट पार्ट में। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बैक साइड के सबसे राइट पार्ट में। EFGH ब्लॉक का पीछे का एरिया बताया था, दो ब्लॉक था ABCD, तो वो उधर लेफ्ट साइड में था, EFGH राइट साइड में है। तो ये राइट साइड के पीछे आ गए, यानी बैक के सबसे पीछे वाले पार्ट में आ गए हैं, बैक के सबसे राइट वाला पार्ट में आ गए हैं। ये रहा बास्केटबॉल एरिया, ये बास्केटबॉल के लिए बनाया गया है, बट अभी तो बास्केटबॉल होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलते हैं। काफ़ी यहाँ मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, देखिए वो विकेट भी रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये विकेट और वहाँ से बॉलिंग होती है, और यहाँ पे लोग कीपिंग करते हैं। तो ये हम लोग आ गए बैक साइड के सबसे राइट तरफ, और ये पॉन्ड जो वहाँ से एक्सटेंड होगा, इतना बड़ा पॉन्ड है। तो और ये पीछे पहाड़ का व्यू तो देख ही रहे हैं आप लोग। चलिए, यह है अपना सेकेंड ईयर का हॉस्टल, सतीश धवन SD हॉस्टल बोलते हैं इसे, यहाँ पे सेकेंड ईयर के लोग रहते हैं। इधर तो हम लोग को जाना अलाउ नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ, ये सेकेंड ईयर का हॉस्टल से इसका भी व्यू काफ़ी अच्छा है। चलिए हम लोग अब राइट साइड तरफ से निकलते हैं। ये हम लोग आ गए हॉस्टल के बैक साइड के राइट साइड में, एंट्री लिया था हॉस्टल के लेफ्ट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से बैक के लेफ्ट साइड में आए, फिर बैक साइड का सबसे राइट साइड में आ गए। चलिए आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देते हैं, ये अपना सेकेंड ईयर का SD हॉस्टल है। ये रहा कुछ इस तरह का है, इनके भी अपने काफ़ी अच्छे कैंपस हैं, काफ़ी स्पेस्ड है, इनके भी क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, हर ग्राउंड है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने राइट साइड में, और देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है अपने हॉस्टल्स का, पीछे पहाड़, इधर पॉन्ड, और इधर अपना हॉस्टल्स। चलिए हम लोग चलते हैं, सामने निकलेंगे। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है अपना सेकेंड ईयर का SD हॉस्टल का, देखिए कितना लुक सही है। हमारे यहाँ पर टोटल इस कॉलेज में 9 बॉयज़ हॉस्टल हैं, एंड देन 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो हॉस्टल्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और अपना हॉस्टल तो सबसे बड़ा हॉस्टल है VS, क्योंकि यहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं एक साथ। और भी हॉस्टल में जाएंगे तो सेकेंड ईयर के 2-3 हॉस्टल हैं, थर्ड ईयर के 2-3 हॉस्टल हैं, बट जो अपना हॉस्टल है वो पूरा फर्स्ट ईयर प्लस PhD वालों को अकोमोडेट किया हुआ है। तो इस लिहाज से तो काफ़ी बड़ा हॉस्टल है अपना, इसका नाम है VS। तो हम लोग आ गए हॉस्टल के सबसे लेफ्ट साइड में, एंट्री लिए थे राइट साइड से, फिर राइट साइड के बैक में गए, फिर बैक से लेफ्ट साइड में आए, और फिर लेफ्ट साइड से अपने हॉस्टल के सामने से आ गए। तो ये रोड जो है हॉस्टल के चारों तरफ से आता है, चारों तरफ गोल गोल घूम जाता है। तो आ गए, अब ये रहा अपने हॉस्टल का सामने का व्यू, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं पहुँच गए। बाकी यहाँ प्लांटेशन तो काफ़ी अच्छी हुई है। इस हॉस्टल में सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे और PhD के बच्चे रहते हैं, ये उन्हीं को मिलता है, ये आप देख लीजिए। तो हमारा आज का ब्लॉगिंग हो गया, हॉस्टल का अंदर का आपको दिखाएं, हॉस्टल के बाहर का स्पोर्ट्स एंड पीछे का लेफ्ट का राइट का सब कुछ दिखा दिए, एंड आपको मेस भी दिखाएं। हॉस्टल का पूरा ब्लॉग करने के बाद चलते हैं मेस में, नाश्ता कर लेते हैं, सुबह का टाइम है, तो आइए आपको दिखाते हैं नाश्ता करने का।